रामू ईमानदार नौकर। रामू नाम का बहुत ही मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह एक बड़े से किसान प्यारे लाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक बहुत दयालु और रामू पर बहुत भरोसा करने वाला था। रामू, तुम मेरे बहुत ही वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह धान और यह पगार लेकर जाओ। पर मालिक, पगार तो ठीक है, पर इस धान की क्या आवश्यकता है? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। यह पगार तुम्हारे मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। ले लो, मना मत करना। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारे लाल का लड़का इंद्रजीत अपने पिता के इस बर्ताव से बहुत जलता था। पिताजी, यह क्या आप खामखा इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो? कुछ जरूरत नहीं इन्हें धानवान देने की, काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? बेटा इंद्रजीत, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों के वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे? नहीं ना, तो फिर उसके ईमानदारी और मेहनत पर भी संदेह मत करना। प्यारे लाल वहाँ से चला जाता है। इंद्रजीत बहुत गुस्से में आ जाता है। इस रामू को तो मैं देखो अब क्या करता हूँ। पिताजी, आपने कल ठीक कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को भी काम पर रख लें? उसे भी काम की जरूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई ही अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख ले मेवालाल को भी। धन्यवाद पिताजी। आगे आगे देखो, होता है क्या, रामू तू तो गया काम से। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान भरा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना, और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांधकर फिर आगे जाना। जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद वह गाय को जब छोड़ने जाता है तो गाय जोर से लात मार देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, यह गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या, मेरी बैलगाड़ी कहाँ गई? सारा धान कोई चोरी कर गया, अब मैं क्या करूँ? दूसरे दिन रामू धीरे धीरे जब खेत पर आया तो मालिक इंद्रजीत और मेवालाल सामने खड़े थे। देखिए पिताजी, यह काम चोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है, मैं खुद मिलकर आया हूँ। नहीं नहीं मालिक, यह गलत है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे तो कोई गाय ने लात मारी थी, मैं वहीं बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली तो बैलगाड़ी के साथ धान भी गायब था। यह तुमने ठीक नहीं किया रामू, इतने पुराने नौकर होकर ऐसा काम कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मेवालाल और इंद्रजीत बहुत खुश होते हैं। बेटा इंद्रजीत, जरा वो लाठी तो लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत खुश होकर लाठी ला देता है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है। प्यारे लाल लाठी लेकर मेवालाल और इंद्रजीत को मारना शुरू करता है। मत मारिए, चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हो? जब रामू को चोरी ही करनी थी तो वह काम पर वापस क्यों आता? और अगर मेरे पास दो बैलों के अलावा कोई गाय नहीं है तो वो मारने वाली गाय आई कहाँ से? रहा सवाल एक बोरी धान का, उसे कल खेत में छुपाते हुए मैंने खुद तुम दोनों को देखा है। प्यारे लाल फिर से पीटना शुरू करता है। मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, यह फिर ऐसा नहीं करेंगे। देखी इसकी ईमानदारी, तुम उसे निकालने की सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, अब यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम कल से रामू के साथ खेतों में उसका हाथ बटाओगे।
यही तुम्हारी शिक्षा है। अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा। खीराम के समोसे। बहुत समय पहले एक शहर में एक चौक होता था। उस चौक पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें थीं। शहर के सभी लोग उस चौक पर मजेदार चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौक पर गोपाल की बहुत पुरानी समोसे की दुकान थी। उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। फिर एक दिन बहुत दूर से वहाँ सुखीराम नाम का एक व्यापारी आया। चौक की दुकानें और ग्राहकों की भीड़ देखकर वो सोचने लगा, इस चौक पर तो बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। अगर मैं भी यहाँ दुकान खोल लूं, तो मुझ पर पैसों की बारिश हो जाएगी। तभी उसका ध्यान गोपाल की समोसों की दुकान पर गया। इस समोसे की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है, मैं भी यहाँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। वैसे भी समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। उसने वही गोपाल की दुकान के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और समोसे बनाने शुरू कर दिए। उनमें उसने एक खास तरह का मसाला डाला। इस खास मसाले से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। और समोसे तलने के लिए कढ़ाई में सस्ता तेल डाला। इस तेल से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। और समोसे तैयार कर लिए। जो मेरे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। भैया दो समोसे देना। अभी लो। अरे वाह, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, जो मेरे समोसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सुनकर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचने लगा। दूसरी तरफ सुखीराम के समोसों की वजह से गोपाल की सालों पुरानी दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं जाता था। इसलिए उसने सोचा, एक बार मैं भी सुखीराम के समोसे खा कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूँ इसके समोसों में ऐसा क्या है। गोपाल मुंह छिपाकर उसकी दुकान पर गया। वो दो समोसे लेकर अपनी दुकान पर आया और उसे खाने लगा। समोसे खाते ही वो समझ गया, इन समोसों में इस्तेमाल मसालों से तो सेहत खराब हो जाती है, इसलिए सरकार ने इन्हें बैन किया हुआ है। मुझे इस सुखीराम का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगली शाम वो अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाइयाँ लेकर बैठ गया और जब चौक पर ग्राहक आने लगे तो उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई ले लो। गोपाल को दवाइयाँ बेचते देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। आप तो समोसे बेचते थे, आप दवाइयाँ क्यों बेचने लगे। मैं समोसे भी आपके लिए बेचता था और दवाइयाँ भी आपके लिए ही बेच रहा हूँ। मगर दवाइयों का हम क्या करेंगे, हमारी तबीयत तो एकदम ठीक है। हाँ, हम तो एकदम हट्टे कट्टे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सुखीराम के समोसे खाते रहे तो कब तक हट्टे कट्टे रहोगे। क्या मतलब। मतलब ये कि सुखीराम अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ऐसे मसाले डालता है जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सरकार ने भी उन मसालों को बैन किया हुआ है। क्या वो सुखीराम हमें बीमार कर रहा है। थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें बैन समोसे खिला रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सभी सुखीराम की दुकान पर आए। बाहर निकलो सुखीराम। क्या हुआ, इतने गुस्से में समोसे कौन मांगता है भाई। हम तुमसे समोसे लेने नहीं आए, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। लेकिन क्यों। क्योंकि तुम स्वादिष्ट समोसे कहकर हमें बैन मसाले खिलाते हो। ये सुनकर सुखीराम समझ गया कि उसके स्वादिष्ट समोसों का पर्दाफाश हो चुका है। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम तुम्हें इस चौक पर रहने देंगे, तब तुम कुछ करोगे ना। और फिर सभी शहर वालों ने मिलकर सुखीराम को उस चौक से निकाल दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी अकल से सुखीराम का पर्दाफाश किया
और शहर वालों को यकीन दिला दिया कि सुखी राम के समोसे असल में दुखी राम के समोसे थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।